सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस को बिना किसी ऐप की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एम एक्स प्लेयर या फिर यूसी ब्राउज़र या फिर प्ले स्टोर से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड करके हम व्हाट्सएप स्टेटस को सेव करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बिना किसी ऐप के मदद से हम कैसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मेरे फ़ोन की जो होम स्क्रीन है वहाँ पे मैं ले जाऊँगा और वहाँ पे मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे होम स्क्रीन पर और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले आप लोगों को बहुत सारे स्टेटस देखना है पूरा का पूरा। ठीक है, व्हाट्सएप में यानी कि जिसका स्टेटस आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके स्टेटस आप लोगों को पूरा का पूरा देखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जो ये एक फ़ोटो है, ठीक है, ये मेरा एक फ्रेंड है और ये जो एक वीडियो स्टेटस है, तो इन दोनों स्टेटस को मैंने पूरा का पूरा पहले ही देख लिया है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को अपनी जो फाइल मैनेजर है, ठीक है, फाइल मैनेजर पे जाना है और उसके बाद फाइल मैनेजर में आपको एक ऑप्शन ऑन कर देना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाकर आप लोग कर सकते हैं। मैं सी एक्स फाइल एक्सप्लोरर यूज़ करता हूँ, आपकी फ़ोन पे जो प्री इंस्टॉल्ड फाइल मैनेजर है उससे भी होगा। ठीक है, सेटिंग्स में जाकर, फाइल मैनेजर की सेटिंग्स में जाकर शो हिडन फाइल्स नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है, उसको ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं भी ऑन कर देता हूँ, मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है, ठीक है, शो हिडन फाइल्स। तो ऑन करने के बाद बहुत सारा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि आदर्श जो फोल्डर है देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सीधा जाना है यहाँ पे व्हाट्सएप फोल्डर में। ठीक है, व्हाट्सएप फोल्डर में जाने के बाद आपको जाना है मीडिया पे, ठीक है, मीडिया, और उसके बाद जाना है स्टेटसेस में। ये जो फोल्डर है ये फोल्डर हिडन होता है, ठीक है, यानी कि ये फोल्डर शो नहीं करता। अब अगर आप जो ऑप्शन है शो हिडन फाइल्स उसको अगर आप ऑन नहीं करोगे तो ये फोल्डर आप नहीं देख पाओगे। ठीक, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी जो फाइल मैनेजर है तो वो जो ऑप्शन है शो हिडन फाइल्स, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी फाइल मैनेजर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट चॉइस है सी एक्स फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस फोल्डर में जाना है। ठीक है, और जाने के बाद वो जो स्टेटस आपने देखा है पूरा का पूरा वो स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को, और इस स्टेटस को मूव कर देना है अदर्स फोल्डर में, यानी कि यहाँ से आप लोगों को हटाना है। ठीक है, हटा के कोई भी फोल्डर में आप लोगों को मूव कर देना है। यहाँ पे मैंने मूव कर दिया और ये जो स्टेटस, ये जो दोनों स्टेटस है मेरे फ़ोन में परमानेंटली सेव हो गया है। ठीक है, अगर वो स्टेटस चला भी जाए व्हाट्सएप से, यानी कि जो एक दिन है यानी कि 24 आवर्स, तो 24 आवर्स के बाद तो स्टेटस डिलीट हो जाता है, तो डिलीट होने के बाद भी आपके फ़ोन में ये स्टेटस रह जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हर हफ्ते लेके आता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।